हेलो बच्चों, आपको पता है मेरी एक दोस्त है। उस दोस्त का नाम पौरमा है। पौरमा के पास एक बिल्ली है, उस बिल्ली का नाम मीलू है। वो तो पौरमा हर दिन अपनी बिल्ली की फोटोज खींचती रहती। वो बहुत सारी फोटोज अपनी बिल्ली की खींचती, क्योंकि वो शायद मीलू से बहुत प्यार करती है और उसे तस्वीरें खींचना भी बहुत पसंद है। और वो हर दिन अपनी फोटोज जो है सोशल मीडिया पर, यानी कि इंस्टाग्राम या फेसबुक या इन सब जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, चीज़ें हैं, इस पर लगाती रहती है। और मुझे मीलू की तस्वीरें देखना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बिल्लियाँ जो होती हैं, प्यारी सी बिल्लियाँ, बहुत पसंद है। मेरी एक और दोस्त है, उसके पास भी बिल्लियाँ हैं। और अभी अभी कुछ दिनों पहले उस बिल्ली ने बहुत सारे बच्चे दिए हैं, और बिल्कुल अलग अलग रंग की बिल्लियां हैं। कुछ बिल्लियां तो बेहद काली, इतनी प्यारी लग रही है कि क्या बताऊं। मन तो मेरा करता है कि उनसे कहूं कि मुझे भी एक बिल्ली भेज दो ना, या मन करता है कि वहां ही जाकर एक तो बिल्ली यहां ले आऊं, और उससे मेरे फायदा भी हो जाएगा। मेरे रूम में तो काफी सारे चूहे भी आते हैं, चूहे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और ये बिल्ली तो उन चूहों को पकड़कर खा भी जाएगी, तो मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो क्या आपको भी बिल्लियां पसंद है, ये हमें बताइए। तो आज की जो कहानी है, आज की कहानी हमारी बिल्लियों पर ही है। तो आज की जो कहानी है, उस कहानी का नाम है बिल्ली के बच्चे। और ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये किताब हमारी हर दिन की किताब से कुछ ज्यादा ही बड़ी किताब है। इसको बहुत बड़ी पुस्तक कहते हैं, या इंग्लिश में इसे बिग बुक भी कहते हैं। ये किताब असल में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़कर हम सुनाते हैं। तो बिल्ली के बच्चे, ये जो कहानी है, ये वी सुतियेव ने लिखी है। मूल रूप से यह हिंदी में नहीं लिखी है, हिंदी अनुवाद किया गया है। तो वी सुतियेव ने यह किताब सबसे पहले लिखी थी, और ये बहुत पुरानी कहानी है, और बहुत सालों से ये बच्चे सुनते आ रहे हैं, और सब जगह लोग इसको पढ़ते हैं और सुनाते आ रहे हैं। और ये बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी कहानी है, और सभी को इसको सुनने में बहुत मजा आता है। तो आज हम पढ़ेंगे वी सुतियेव की बिल्ली के बच्चे। और यहाँ पर आप बिल्ली के बच्चों को देख पाएंगे। यहाँ पर कितने बच्चे देख पाएंगे? एक, दो, तीन। हमारे बिल्ली के यहाँ पर तीन बच्चे हैं। कैट, कैट के बच्चे किटन्स, यानी थ्री किटन्स। तो हम पढ़ते हैं, बिल्ली के तीन बच्चे थे। तो बिल्ली के एक, दो और तीन, बिल्ली के तीन बच्चे थे। एक काला, एक भूरा और एक सफेद। तो शायद ये वाला काला है बच्चा, और ये भूरा बिल्ली है, और ये सफेद। उन्होंने एक चूहा देखा और वे उसके पीछे भागे। और इन्होंने यहाँ पर क्या देखा? चूहा, और वो उसके पीछे भाग रहे हैं। बिल्लियों को चूहा तो बहुत पसंद है, क्या लजीज स्वाद आता होगा इनके जीभ में। चूहा उचक कर आटे के डिब्बे में कूद गया। और यहाँ चूहा हमारा आटे के डिब्बे में कूद गया है। आटे का रंग कैसा होता है? एक एक करके वे तीनों भी डब्बे में कूद गए, लेकिन तब तक चूहा तो निकल भागा। और ये क्योंकि यहाँ पे चूहा कूद रहा है आटे के डिब्बे में, और बिल्लियां भी यहाँ पर आटे के डिब्बे में कूद गई, लेकिन चूहा तो हमारा निकल कर यहाँ पर भाग गया है। ये रहा हमारा चूहा। चूहे का भी रंग कैसा हो गया है? बिल्कुल सफेद। और बिल्लियां तो आटे के डिब्बे में कूद रही हैं, तो क्या बिल्लियों का भी रंग बदल जाएगा? तीनों बच्चे मायूस होकर डिब्बे से बाहर निकले। तीनों का रंग सफेद हो गया। और देखिए, ये तीनों बिल्ली अब एक ही रंग के हो गए, बिल्कुल सफेद। यानी कि हमारी काली बिल्ली भी सफेद हो चुकी है, भूरी बिल्ली भी सफेद हो चुकी है। सफेद बिल्ली तो सफेद थी ही।
बिल्ली के तीन सफेद बच्चों को एक मेंढक दिखाई दिया। वे उसे पकड़ने के लिए दौड़े और अब बिल्ली के तीनों बच्चों को एक मिल गया मेंढक। ये रहा हमारा मेंढक, और मेंढक भी शायद बिल्लियों को बहुत पसंद हो और उसे पकड़ने के लिए वे तीनों बच्चे भागे। मेंढक धुएं के पाइप में घुस गया, वे तीनों भी पीछे पीछे पाइप में घुस गए। और यहां पर एक धुएं का पाइप है जहां से बहुत धुआं निकलता है, उसके अंदर मेंढक घुस गया और पीछे पीछे ये बिल्लियां भी, बिल्कुल सफेद है तीनों बिल्लियां, वो भी पाइप में घुस गई। मेंढक पाइप के दूसरे सिरे से बाहर निकला, उसके पीछे निकले बिल्ली के तीन काले बच्चे। और ये हमारा मेंढक बिल्कुल काला निकल भागा और बिल्ली के बच्चे भी पाइप के अंदर की गंदगी से लिपट कर पूरे काले हो चुके हैं, और तीनों के तीनों बिल्कुल काले हो चुके हैं। सफेद बिल्ली काली, भूरी बिल्ली भी काली, काली बिल्ली तो काली है ही। बिल्ली के काले बच्चों ने तालाब में एक मछली देखी और इन्हें देखी तालाब में एक मछली, वाह मछली का तो क्या ही बढ़िया स्वाद होता है, और बिल्लियों को मछलियां तो बहुत पसंद है, और उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी मछली पकड़ने के लिए। हमारी ये तीन प्यारी बिल्लियां बिल्कुल काले रंग की जो है, अभी उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी, मछली को पकड़ के ही रहेंगे लगता है। मछली तैर कर दूर निकल गई, मछली तो बड़ी तेज तैराक होती है, वो तेजी से तैर कर दूर, हमारी मछली तेजी से तैर कर दूर निकल गई। और बेचारे बिल्लियों को मछली नहीं मिली, लेकिन तीनों धुलकर तालाब से बाहर निकले, लेकिन पानी ने तीनों को धो डाला, तीनों धुलकर तालाब से बाहर निकले। और जब हम अब नहा लेते हैं, जब हम धुल जाते हैं तो सारा रंग निकल जाता है और तीनों बिल्लियां अपने अपने रंगों में वापस आ गई, सफेद बिल्ली सफेद, भूरी बिल्ली भूरी, और काली बिल्ली काली, बिल्कुल जो पहले रंग था वही रंग, और चल दिए वापस घर। बेचारे तीनों बिल्ली के बच्चे को ना चूहा मिला, ना ही मेंढक मिला, और ना ही क्या मिली, मछली, मछली भी नहीं मिली। तो तीनों बिल्ली के बच्चे चल दिए वापस घर। बिल्ली के तीन बच्चे, एक काला, एक भूरा और एक सफेद। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी, बिल्ली के बच्चे, तीन बिल्ली के बच्चों की कहानी, एक काला, एक भूरा और एक सफेद। तीनों को बेचारों को कुछ भी खाने को नहीं मिला, अब ये तीनों क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या ये अपनी माँ के पास जाएंगे, क्या इनकी माँ कुछ खाने के लिए लेकर आएगी। तो बिल्ली के बच्चे कितनी शैतानी कर रहे थे, क्यों, क्या आप भी बिल्ली के बच्चों की तरह घर में शैतानी बहुत करते हैं। तो आज की कहानी बस इतनी ही। बिल्ली के बच्चे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।